और वहीं गुरुवार को जिस तरीके से जवानों की शहादत हुई थी, उनके पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचे हैं और वहीं से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पंजाब से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां जवानों के पार्थिव शरीर पहुंचे हैं, उन्हें नमन करने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने गांव वाले यहां पर इकट्ठा हुए हैं। जवान शहीद हो गए थे जिसमें से 4 जवान पंजाब के और 1 उड़ीसा के रहने वाले थे। इस आतंकी हमले में ये सभी लोग शहीद हो गए थे और देश के लिए दिए गए इस सर्वोच्च बलिदान को आज सभी लोग नमन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें पंजाब से सामने आई हैं जब शहीदों के पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचे तो यहां पर जनता का सैलाब उमड़ा उन्हें नमन करने, उनकी एक आखिरी झलक पाने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आप देख रहे हैं यहां पर कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। 4 जवान पंजाब के जिनकी शहादत हो गई थी, 1 जवान उड़ीसा के, बीते कल उनके पार्थिव शरीर को सेना और उच्च अधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचे हैं जहां पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। और उससे पहले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां तिरंगा झंडा लिए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, गांववासी पहुंचे हैं, अपने गांव के वीर सुपूतों को यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। पुलिस का भी कड़ा पहरा यहां पर है और तस्वीरें पंजाब से सामने आई है, शहीदों को श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की जा रही है। क्योंकि जिन 4 जवानों की शहादत हुई वो 4 पंजाब के रहने वाले थे और वहीं 1 उड़ीसा के जवान थे, उनके पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये तस्वीरें पंजाब के मोगा से सामने आई है जहां पर पूरा गांव पहुंचा हुआ है। सुरक्षा का भी कड़ा पहरा यहां पर है, श्रद्धांजलि यहां पर शहीदों को दी जा रही है। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में गांव वाले पहुंचे हैं। सर्वोच्च बलिदान जिस तरीके से यहां पर जवानों ने दिया, कुलवंत सिंह को यहां पर विदाई दी जा रही है और ये वही शहीद जवान है जो इस आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी जी इस वक्त ऑनलाइन पर हैं। तेजेंद्र जी, कुलवंत सिंह को यहां पर विदाई दी जा रही है और पूरा गांव यहां पर उमड़ा है। मैं मानती हूं कि तस्वीरें आप भी देख पा रहे होंगे, कितना भारी जनता का सैलाब यहां पर है और जिस तरीके से जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है हमारे देश के लिए, उन्हें नमन करने पूरा गांव पहुंचा हुआ है। देखिए जैस्मिन, ना सिर्फ पूरा गांव बट पूरा इलाका जो है, पूरा मोगा शहर जो है वो यहां पर उमड़ा हुआ है। लोगों का जो सैलाब है, जन सैलाब, वो आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक तिरंगों की लोग किस तरह से तिरंगे फहरा रहे हैं, आप नम आंखों से इन जवानों को जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया उनको आज आखिरी बार अलविदा कहने के लिए आए हुए हैं। देखिए जैस्मिन, हम लगातार एज अ जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट करते हैं, हमारे जो जवान हैं ये शहीद होते हैं और हर बार हम ये दुखद खबर जो है इसके लोगों को बताते हैं कि किस तरह से हमारे 2 जवान या 3 जवान शहीद हुए। लेकिन ये हम ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक नाम नहीं है, ये एक फैमिली। देखिए आज एक घर में या जिस 5 घरों में से अस्थियां उठ रही हैं, 5 पूरे घर तबाह हो चुके हैं और इनकी जो बलिदान है किस लिए, देश के लिए। पूरे देश को ये समझना चाहिए कि आज जो ये बलिदान दिया है इन लोगों ने, किसी अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए नहीं दिया है, लेकिन पूरे देश के लिए दिया है। 1.40 बिलियन पॉपुलेशन जो इस देश की है उसके लिए दिया है ये जो बलिदान इन जवानों ने दिया है। ये सिर्फ नाम नहीं होंगे, हवलदार मनदीप सिंह जो पंजाब के रहने वाले हैं, सिपाही हरकृष्ण सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही सेवक सिंह, ये 4 पंजाब के हैं, और लांस नायक देवशीष ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये सिर्फ एक सिर्फ 4 या 5 नाम नहीं है, ये 5 फैमिलियां हैं जो देश के लिए, देखिए जो चला गया वो तो है, उनको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये बलिदान जो है सिर्फ इन 5 लोगों का नहीं है, 5 पूरी फैमिलीज का है। इनके छोटे, ये सिर्फ नाम और नंबर नहीं है, इनकी फैमिलीज हैं, ये किसी के भाई हैं, किसी के कोई इनकी बहनें हैं, किसी के बेटे हैं, किसी का इनकी वाइफ भी है, इनके
बच्चे भी हैं, तो एक पूरी फैमिली जो है वो गई है। लेकिन एक मैसेज भी देश के लिए ये है कि ये वो जवान हैं, ये वो भारत माता के वीर सपूत हैं जो 24 घंटे हम लोगों की रखवाली के लिए बॉर्डर पे हो या देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात रहते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा दुश्मन देश है जो ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से भारत में हालात खराब किए जाएं, आतंकियों को भेजा जाए, उनके सामने ये एक ढाल बन के हमें हम जो आम नागरिक हैं हमें बचाते हैं। जी जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल तेजेंद्र जी, और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से आज ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनका पूरा गांव यहां पर उमड़ा है, और गांव में जाहिर सी बात है उनके बहुत से रिश्तेदार होंगे, बहुत से रिश्ते होंगे जिसके नाते भी यहां पर बहुत से लोग पहुंचे हैं, लेकिन हम और आप जैसे भी लोग हैं जो शांतिपूर्वक अपने घरों में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी नौकरियां कर रहे हैं, सिर्फ इसी दम पर कि कोई है जो सरहद पर हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी सुरक्षा कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक रिश्ता ही है। और तो ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में काफी भावुक करने वाली भी होती हैं। देखिए जैस्मिन, आपने बिल्कुल सही कहा, एक देश की इकोनॉमी, एक देश की डेवलपमेंट जो है वो इसी बेसिस पे रहती है कि उसकी सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं, उसके इंटरनल हालात कितने सुरक्षित हैं। आप देखिए कि अगर भारतीय सेना ना हो और आतंकियों को एक फ्री हैंड मिल जाए भारत में अपनी गतिविधियां करने के लिए, तो कोई हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो कभी इतनी तेजी ना पकड़ पाए जितनी वो आज तेजी पकड़ रही है। भारत की जीडीपी, भारत की इकोनॉमी वन ऑफ दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड इसलिए है क्योंकि हमारी जो सेना है वो इस चीज को सुनिश्चित करती है कि आतंकी गतिविधियां भारत में ना हो, जो हमारे दुश्मन देश हैं चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, वो कोई भी हमारी जो सरजमीन है उस पर कब्जा ना कर पाए, उनके नापाक मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए ये भारतीय सेना ही है, हमारे जवान ही है जो ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी नापाक हरकत जो है वो कामयाब ना हो। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नम आंखों से पूरा जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है, जो इनके लांस नायक कुलवंत सिंह के रिलेटिव्स हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो इकट्ठे हुए हैं अपना जो आखिरी सलाम, आखिरी गुडबाय कहने के लिए इस भारत माता के सपूत को जिसने भरी जवानी में ये सुप्रीम सेक्रीफाइस दे दिया। देखिए, एक जवान के लिए सबसे बड़ी जो उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है कि जब उसका पार्थिव शरीर उसके घर भारत के ट्राई कलर में, देश के झंडे में लिपट के आए, इससे बड़ा सम्मान भारतीय सेना के जवान या भारतीय सेना के ऑफिसर अपने लिए समझ ही नहीं पाते कि इससे बड़ा कोई सम्मान होगा, चाहे कोई मेडल हो चाहे कोई पैसे, उसकी लालच नहीं रहती। लालच ये रहती है कि जब हमारा अंतिम यात्रा हो तो हमारा जो पार्थिव शरीर है वो भारत के ट्राई कलर में, देश की आन बान शान जो हमारा तिरंगा है उसमें लपेट के हमारे घर पहुंचे। और आज ये इन 5 जवानों के लिए आप देखिए, बेशक हम ये कह रहे हैं कि 5 फैमिलीज का दुख दर्द है वो कोई समझ नहीं पाएगा, हम बेशक ये कहें कि आज हमारी आंखें नम है, हम इस फैमिलीज इन 5 फैमिलीज का दुख दर्द समझ पा रहे हैं, लेकिन जो बात ये है कि अब इन फैमिलीज का जो दर्द है, जो इनके अपनों को खोने का जो इनका गम रहेगा, जो बच्चे कभी अपने जो, बिल्कुल तेजेंद्र जी, ये एक अपूर्णीय क्षति है, हर एक जवान का भी शहीद होना पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं एक अपूर्णीय क्षति होती है। और तेजेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि जिस वक्त इन शहीदों की इन जवानों की गाड़ी पर हमला हुआ, आतंकवादियों ने जब ये आतंकी हमला किया, तो जानकारियों के मुताबिक ये तमाम जवान उस जगह से वापस आ रहे थे जहां पर इन्होंने इफ्तार पार्टी का ऑर्गेनाइज की थी, इफ्तार पार्टी, और वहां से सामान वितरित करके ये 5 जवान वापस आ रहे थे जब इनकी गाड़ी पर हमला हुआ। देखिए जैस्मिन, ये जवान जो है भारतीय सेना का एक मोटिव है, क्योंकि सबसे सेकुलर अगर कोई इंस्टीट्यूशन है देश में तो वो भारतीय सेना है। आप देख लीजिए, हर एक यूनिट में भारतीय सेना का एक कंसेप्ट है जिसे MMG कहा जाता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, हर एक चाहे वहां पर आपके ऑफिसर जवान किसी भी मजहब को मानने वाले हों, वहां पर आपको मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा मिलेगा।
कोई भी बड़ा त्योहार हो, चाहे ईद हो, दिवाली हो, बैसाखी हो, तो सेना के जितने भी, चाहे क्रिसमस हो, जितने भी जवान अलग अलग मजहब से बिलोंग करते हैं, वो हर फेस्टिवल एक साथ मनाते हैं। जब भारतीय सेना के वीर जवान जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो अपने मजहब को साथ लेकर नहीं चलते, उनके लिए वो उस वक्त भारत माता के सपूत बन जाते हैं। कल भी जब ये घटना ये सामने आई परसों, तो तब भी ये भारतीय सेना के जवान ईद की जो सेलिब्रेशन है, जो इफ्तार पार्टी की सेलिब्रेशन है, उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे। आप देख सकते हैं कि अभी उस ट्रक में जिसपे आतंकियों ने ये हमला किया, उसमें फ्रूट थे, बाकी सामान था जो इफ्तार पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। तो भारतीय सेना एक एपिटोम ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलर इथोस इस देश का है। लेकिन अभी देखिए, जब इन जवानों की जो आखिरी विदाई हो रही है, आखिरी सलाम, आप देख लीजिए कि वहां पर जैसे आम भाषा में कहा जाता है कि सुई रखने की भी जगह नहीं है, इतना जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है इन्हें आखिरी श्रद्धांजलि, आखिरी गुड बाय कहने के लिए। तिरंगे फहराए जा रहे हैं चारों ओर, भारत माता की जय के जय जय घोष हो रहे हैं। इन पांचों जवान जो अपनी इस आतंकी हमले में जिनकी शहादत हुई है, इनकी जय जय घोष किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आप देखिए, ये एक जन सैलाब है जो उमड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इवन इनकी जो फीमेल्स हैं, माता जी हैं, वो भी इस इनके पार्थिव शरीर को कंधा दे रही हैं। तो ये एक दर्शाता है कि एक माँ के लिए इससे बड़ा एक सम्मान आप देखिए, हालांकि इससे बड़ा दुख तो जिंदगी में कोई नहीं होगा कि एक माँ को उसके अपने बेटे के पार्थिव शरीर को कंधा देना पड़ रहा है, लेकिन एक सम्मान भी है जब बेटे का पार्थिव शरीर देश के तिरंगे में, देश के झंडे में लपेट के घर आया है। अभी आप देखिए भारतीय सेना के जवान किस तरह से अपने जो मार्टर्ड कलीग है, अपने जो साथी हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें फाइनल गुड बाय कह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल तेजेंद्र जी, हम तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से राजकीय सम्मान के साथ इन जवानों को अंतिम विदाई दी जा रही है। पंजाब के अलग अलग गांव से ये गमगीन तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक तरफ पूरा देश ईद का त्योहार मना रहा है, वहीं पंजाब के कुछ गांव ऐसे भी हैं जो गमजदा हैं। तेजेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।